बीती रात मुंबई के अस्पताल में इलाज के दौरान सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का निधन हो गया। जैसे ही यह खबर देश में फैली, उनके तमाम चाहने वाले, उनके तमाम करीबियों में शोक की लहर दौड़ गई। यही नहीं, तमाम बड़े बड़े राजनेताओं ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हम आपको बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित सहारा शहर में लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम अग्नि, अंतिम मुखाग्नि दी जाएगी। कुल मिलाकर सहारा समूह के प्रमुख के इस निधन की खबरों को लेकर जहां उनके चाहने वालों में शोक का माहौल है, गम का माहौल है, वहीं सहारा समूह में निवेश करने वाले उन तमाम हजारों लाखों की संख्या में जो निवेशक थे, उनकी कहीं ना कहीं माथे की लकीरों पर चिंताएं अवश्य दिखाई पड़ रही। निश्चित बात है, यह लाजमी है कि यदि किसी समूह में, किसी ग्रुप में आप अपने रुपयों को निवेश करते हैं और उस कंपनी के जो प्रमुख हैं उनका निधन हो जाए, तो जाहिर सी बात है निवेशकों में उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। हम आपको बता दें कि सहारा प्रमुख के मामले को लेकर सेबी ने एक अनियमितताएं पाते हुए इनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। वर्ष 2012 में हाईकोर्ट ने बाकायदा इसके लिए आदेश दिया कि जो भी निवेशक हैं उनको रुपयों को उनके ब्याज के साथ वापस किया जाए। इसको लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में सहारा ग्रुप ने एक सहारा रिफंड पोर्टल भी स्थापित किया, जो ऑनलाइन चलता है, और जो भी निवेशक थे वह जब इस पर ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं तभी उन्हें क्लेम प्राप्ति होती है। उस समय से वर्तमान समय में ये बात लगातार चल रही है कि सहारा में निवेशकों का रुपया डूब जाएगा अथवा मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि यह जो भी धनराशि है यह सेबी के नियंत्रण में है, तो ऐसे में निवेशकों का रुपया डूबने की कोई बात नहीं आ रही। अनियमितताओं को, आर्थिक अनियमितताओं को देखते हुए हाईकोर्ट के माध्यम से सुब्रत राय पर एक केस भी चला था, जिसके क्रम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 2016 में वह पैरोल पर बाहर आए थे। वर्तमान समय की अगर स्थिति बता दें तो सुब्रत राय 75 साल के थे, वह लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा था, जहां कल बीती रात उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद से निवेशकों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के माध्यम से कई लोगों ने हमसे यह जानकारी अपेक्षित की है कि जो उनका रुपया है, जो उन्होंने निवेश किया है, वह उन्हें कैसे वापस मिलेगा। तो इस बारे में हम विस्तृत जानकारी आपके सामने लेकर आए। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो सहारा का ऑनलाइन पोर्टल है, उसके माध्यम से जो लोग अपने निवेश को क्लेम करेंगे, उन्हीं को नियत तिथि, नियत समय पर रुपए वापस दिए जाएंगे। अन्यत्र अगर कोई ब्रोकर, कोई दलाल आपको यह वादा करता है कि वह आपको सहारा समूह के रुपए वापस दिला देगा जो आपने निवेश किए थे, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। बाकायदे इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है और सभी प्रकार की शिकायतें वहीं ही इंटरटेन की जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो नीचे दिए गए इन टोल फ्री नंबर पर आप बात करके समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके मन में संदेह है उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर निवेशकों के मन में उठने वाला यह सवाल लाजमी है, लेकिन यह हम आपको बता दें कि सेबी के आदेश के बाद से सहारा समूह ने अपने निवेशकों के लगभग 138.7 करोड़ रुपए की वापसी भी कर दी है। तो यह प्रक्रिया सतत क्रियाशील है, सतत चल रही है। जो भी निवेशक हैं उनको रुपया वापस किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहां यह कहना भी अतिशयोक्त नहीं होगा कि निश्चित ही बात है, जब किसी समूह, किसी संस्था के प्रमुख का निधन हो जाता है, तो उसमें जो निवेशक होते हैं उनकी माथे की लकीरें वैसे ही तन जाती हैं। हालांकि सहारा का रुपया काफी समय से, निवेशकों का जो रुपया लगाया हुआ था वो काफी समय से लंबित है, तो ऐसे में जो भी निवेशक थे उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। तो उनसे हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। समूह में जो भी आपका रुपया निवेश किया गया था, वो आपको निश्चित तिथि, निश्चित समय, जो भी सरकार के द्वारा, सेबी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उसके माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इसके लिए कदापि चिंता करने की विषय नहीं। अब बात आती है सुब्रत राय की। तो सुब्रत राय ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियों की वजह से उनके सामने एक या बहुत बड़ी समस्या आई, जिसके बाद से उनका साम्राज्य का धीरे धीरे कहीं ना कहीं पतन हो गया। हालांकि सुब्रत राय अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में जीवित रहेंगे, क्योंकि सुब्रत राय एक ऐसी शख्सियत थे, उनके साथ रहने वाले लोग, उनके साथ कार्य करने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग
आज भी जानते हैं कि सुब्रत राय हर किसी की मदद के लिए आगे रहते थे। एक समय ऐसा भी था जब सुब्रत राय के पुत्र की शादी थी तो बड़े बड़े राजनेता उनकी महफिलों की शोभा बढ़ाते थे, बड़े बड़े मशहूर बॉलीवुड की हस्तियां उनके वहां खाना सर्व करते थे, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े खिलाड़ी उनके वहां मेहमानों को खाना परोसते थे। लेकिन यह नियति का चक्र है या समय का चक्र है, इसे कोई बदल नहीं सकता। फिलहाल निवेशकों के लिए यह राहत भरी बात है कि उनका जो भी निवेश किया रुपया है वह उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर क्लेम करने के बाद अवश्य मिल जाएगा।